हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कश्मीरा एंड आज की वीडियो में हम ग्लास बॉटल नहीं, ग्लास जार डेकोरेट करने वाले हैं। इस ग्लास जार को हम पेंट करके एज अ टेबल लैम्प यूज़ कर सकते हैं या फिर साइड टेबल पे भी रख सकते हैं बेडरूम में। सबसे पहले हम इसको पानी में रखेंगे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के बाद इसका जो लेबल है वो इजीली निकल जाएगा। और लेबल निकालने के बाद नॉर्मल हम जैसे अपने बर्तन साफ़ करते हैं वैसे हम इसको साफ़ कर देंगे, और साफ़ करने के बाद ये एकदम क्लीन हो जाएगा। एकदम इजी प्रोसीजर है, ऐसे मैंने दोनों चीज़ें क्लीन कर ली है। और उसके बाद हम उसको पेंट करेंगे। इस पर हम वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस स्पंज डैबर हम उसको पेंट करेंगे इस तरह से। आप यहाँ पे ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट ब्रश के स्ट्रोक्स दिखते हैं इसलिए मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम उसमें लाइट्स डालेंगे और जब हम लाइट ऑन करेंगे तब उसके स्ट्रोक्स दिखेंगे, तो वो स्ट्रोक्स अवॉइड करने के लिए यूज़ स्पंज। अब यहाँ पे जो मैं स्पंज डैबर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल स्पंज भी यूज़ कर सकते हो। एक कोट के बाद ये ऐसा दिख रहा है और मैंने उसके बॉटम पोर्शन में भी कलर किया है। वो एक कोट ड्राई होने दो, उसके बाद हम ये कैप को ब्लैक कलर देने वाले हैं। ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैं फ्लैट ब्रश से ये कलर दे रही हूँ, और ये ब्रश का नंबर है नंबर 2। यहाँ पे भी आप स्पंज यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक ज़रूरत नहीं है यहाँ पे स्पंज यूज़ करने की, इसलिए मैं नॉर्मल ब्रश यूज़ किया है। फ्लैट ब्रश इज़ फाइन। अब ये दोनों चीज़ें हम ड्राई होने देंगे। जो वाइट एक्रेलिक कलर हमने वो जार को दिया है वो ड्राई होने के लिए मिनिमम 6 to 8 आवर्स लगते हैं, तो जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद मैं उस पर एक लीफ ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 2H पेंसिल, वो बहुत लाइट होती है, और अगर आप बॉटल पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लाइट पेंसिल से यूज़ करो, बिकॉज़ अगर नॉर्मल पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते करते हो, अगर HB की पेंसिल यूज़ करते हो तो वो डार्क हो जाती है। और अगर आपको लीफ ड्रॉ करना हार्ड जा रहा है तो जस्ट गूगल पे सर्च करो ट्रॉपिकल लीव्स इमेजेस, और जो भी इमेज आपको अच्छी लगे वो निकाल के उसको प्रिंट करके हम ट्रेस कर सकते हैं। ये इजीएस्ट ऑप्शन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इमेजेस अवेलेबल है, प्रिंटेबल इमेजेस भी अवेलेबल है, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आपकी चॉइस का। और ऐसी इमेजेस इजीली ट्रेस हो जाती है बॉटल पे। कोई भी इमेज बॉटल पे ट्रेस कैसे करते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में डाल दूँगी, वो देख लेना अगर आपको हार जा रहा हो तो। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस नंबर 2 ब्रश, फ्लैट ब्रश, एंड द कलर्स आर लाइट ग्रीन एंड डीप ग्रीन। दो कलर्स यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये जो लीफ है वो ट्रॉपिकल थीम कर रहे हैं हम इस पे। और ये वाला जो कलर मैं अभी दे रही हूँ वो है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर मैं पूरे लीफ को देने वाली हूँ थ्रू आउट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे भी आपको स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे हमने इतना यहाँ तक ट्राई किया कि स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए, इसलिए हमने स्पंज यूज़ किया, केयरफुली काम किया। अब इसके बाद अगर इस पे स्ट्रोक्स दिख गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ेगा। तो जो कलर हम दे रहे हैं उसको स्मूथ करने की कोशिश करो, थ्रू आउट सेम रहे ऐसी कोशिश करो। अब इस पे हम डीप ग्रीन यूज़ करेंगे, और इसके लिए छोटा वाला ब्रश यूज़ करो, राउंड ब्रश नंबर 1 या फिर 2 मैक्सिमम, और इसे रैंडमली कहीं पे भी आप डार्क ग्रीन कलर यूज़ करके उस लीफ को डार्क करो, रैंडमली कर दो बिकॉज वो थीम ही ऐसा है।
अब ये लीव के बाद जो कैप था वो ड्राई हो चुका है और उसके बाद हम उसको एक मेटालिक लुक देने वाले गोल्डन कलर यूज़ करके। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है मेटालिक वैक्स। आप नॉर्मल गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी अदर मेटालिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको आपको लगे कि सिल्वर शेड दे तो सिल्वर शेड भी यूज़ कर सकते हो, बट आई थॉट कि वो जो गोल्डन कलर है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इस लैम्प का इंस्पिरेशन मुझे गूगल से मिला था। मैंने एक इमेज देखी थी, उसमें ऐसा बड़ा वाला लैम्प बना था, ट्रॉपिकल लीव्स का थीम था उसका, तो उससे मैंने इंस्पायर्ड होके ये वाला बनाया है और हम उसको ऐसे लगाएंगे और अभी हम उसमें लाइट्स डालेंगे। ये लाइट्स मैं कॉर्क लाइट्स यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल जो बैटरी वाले लाइट्स होते हैं मैं जनरली जो बॉटल में डालती हूँ वही लाइट्स है। ये पूरे के पूरे हम वो जार में डाल देंगे। और ये जो कैप है उस पे हम ये वाला कॉर्क लगाएंगे। ग्लूगन से आप स्टिक कर सकते हो या फिर आप फेवी बॉन्ड से भी स्टिक कर सकते हो। दैट्स इट। जैसे ही आप वो ऑन करते हो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और ये जब लीव ड्राई हो जाएगा पूरा और कैप भी पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप उस पर वार्निश देना ना भूलना। ये कैप लॉक करके ये कुछ इस तरह दिख रहा है। Isn't it looking awesome? और ये रहा इसका फाइनल लुक। इस लैम्प पे आप कोई भी वार्निश यूज़ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको मैट अच्छा लगता है गो फॉर मैट, अगर आपको ग्लॉसी अच्छा दिखता है तो आप ग्लॉसी दे सकते हो। मैंने वार्निश के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी ताकि आप चेक कर सकते हो। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो वार्निश के बारे में जस्ट गो वॉच दैट वीडियो। विदाउट लाइट्स ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। सिर्फ एक कोट वाइट एक्रेलिक कलर का दिया था मैंने। सो गाइस ट्राई दिस ईजी DIY एंड शेयर योर क्रिएशंस विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। डोंट फॉरगेट टू टैग कश्मीरा आर्ट सो दैट इट विल बी ईजी फॉर मी टू रीशेयर इट। And subscribe to my YouTube channel for more videos like this. See you in the next video. Till then, bye-bye.